में क्या है? सातवें चरण में कुल 75.06% वोट मिले। दक्षिण दिनाजपुर में 80.01%, वहीं मालदा में 78.76%, मुर्शिदाबाद में 80.30%, पश्चिम वर्धमान में 70.34%, दक्षिण कोलकाता में 59.91% मतदान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के सातवें चरण का मतदान पश्चिम वर्धमान जिले के कल्थी विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हुआ। इस दौरान पूर्वी के तृणमूल प्रत्याशी उज्जवल चटर्जी ने कहा कि पूरे पूर्वी क्षेत्र में सभी बूथों में शांतिपूर्ण रूप से चुनाव संपन्न हुआ है। ये भी कहा कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ही सरकार बंगाल में बनी। दुर्गापुर में तृणमूल कांग्रेस के मतदाता सहायता शिविर में तोड़फोड़ की गई, महिलाओं के साथ मारपीट करने का आरोप टीएमसी ने लगाया। आपको बता दें कि तृणमूल उम्मीदवार विश्वनाथ पर्याल ने दावा किया कि घटना में कई तृणमूल कार्यकर्ता घायल हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस की घटना को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की गई। असम बंगाल सीमा को कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण बंद कर दिया गया है। असम के छोटोगुमा से बंगाल के बक्सरहाट प्रवेश द्वार पर बांस को बांध दिया गया है। इससे दोनों राज्यों के व्यापारी जगत में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। बक्सरहाट व्यापार संघ के सचिव विपुल दास ने कहा कि पिछले साल के कोरोना काल के अनुभव से मैं चिंतित हूं। पिछली बार दोनों सीमावर्ती राज्यों के व्यापारी और आम लोग सीमा बंद से काफी प्रभावित हुए। वे चाहते हैं कि प्रशासन सीमा को बंद किए बिना सीमा से गुजरने वालों की गहन तलाशी लेकर उन्हें वहां से जाने। वहीं बंगाल में आज सातवें चरण का मतदान संपन्न हुआ। बालूरघाट विधानसभा क्षेत्र में अपनी पत्नी और बेटे के साथ वोट डालने बालूरघाट से टीएमसी उम्मीदवार शेखर दास गुप्ता वहां पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बालूरघाट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अशोक लाहिड़ी ने विभिन्न बूथों का जायजा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण मतदान के बाद भी कई बूथों में ईवीएम में गड़बड़ी देखने को मिली। आसनसोल साउथ विधानसभा के बत्तार नगर स्कूल में तृणमूल के एजेंट ने तृणमूल की टोपी पहन रखी। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने खुद तृणमूल की टोपी जाकर खोली और टोपी को बाहर लेकर आ गई और बूथ नंबर 287 के अधिकारी से इसकी शिकायत की। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्चुअली जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में कोरोना के बढ़ते खतरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग बीजेपी का आईना है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अदालत से गुहार लगाऊं। मुर्शिदाबाद हो चाहे बर्धमान हो चाहे उत्तर दिनाजपुर हो चाहे दक्षिण दिनाजपुर हो चाहे मुर्शिदाबाद हो चाहे मालदा हो चाहे बर्धमान हो चाहे हावड़ा हो चाहे हुगली हो चाहे कोलकाता हो सबाई के बोलबो সব মানুষ জোট বেঁধে তৃণমূলকে ভোটটা দেবেন। তার কারণ এটা বাংলার মর্যাদা রক্ষার লড়াই, বাংলার সম্মান বাঁচানোর লড়াই, বাংলা মাকে রক্ষা করার লড়াই। আর বিজেপির প্রতিহিংসামূলক আচরণের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে হবে। সবাই তাকিয়ে আছে বাংলার দিকে, বাংলা কি করবে? বাংলা জিতলে সারা ভারতবর্ষ নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে, সারা ভারতবর্ষ অক্সিজেন পাবে নতুন করে, এবং সারা ভারতবর্ষ নতুন করে জোট বাঁধবে এই বিজেপির বিরুদ্ধে। এটা মাথায় রাখবে। कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष ममता बनर्जी पर तीखा वार किया गया। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने राजनीति
को निचले स्तर पर ले गई। मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कहता हूँ कि नौ नंबर पर चुनाव लड़ा गया के द्वारा लड़ता ममता जी बच्चे हमको मैं कुछ है क्यों नहीं कह रहा हूँ कोई नहीं उन्होंने देखते मापदंड और उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं ने तीन मुख्यमंत्री का चुनाव को लड़ा जिसको हमसे कम इसी तरीके से जो उन्होंने वक्तव्य दिया राय भी पारामीटिक ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से वो संविधान में और जिम्मेदाराना वक्तव्य देती है राय करो पारामीटिक ममता जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो बंगाल की भाषा है क्या जहाँ शब्द नहीं बोले उन्होंने प्रधानमंत्री इन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया हम कर नहीं सकते इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग गृह मंत्री जी ने किया किस तरह की शब्दों शब्दावली दी है नकारात्मक नेगेटिव के साथ भरा हुआ देश पूरी तरीके से भरा हुआ बोखलाहट से भरा हुआ गुस्सा से भरा हुआ ममता जी ऐसे रात कहो इतना रात दिए आप इतनी लेवल की मेरे नाम के साथ दो अलंकार उन्होंने लगाए ये बंगाल की भाषा है क्या ये बंगाल की संस्कृति है क्या इस बंगाली कल्चर ही मतलब बंगाली कल्चर और मैं तो कह सकता हूँ गौरव से क्योंकि बंगाल को जितना मैं जीता हूँ उतना और कोई टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला बोला দুলক্ষ মানুষ সংক্রমিত হওয়ার পরও 22 এপ্রিল ভারী শিল্পে অক্সিজেনের ব্যবহার রদ করা হয়েছে বুঝুন তাহলে তাদের কি অপদার্থতা তাদের যে পরিকল্পনার অভাব এবং প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়ার কথা তার অভাব এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কেন অক্সিজেন বাড়াতে পারছি না অক্টোবর 2020 মোট 162 প্রেসার সুইং প্লান্ট স্থাপনের জন্য 201.58 কোটি টাকা ক্লেম পেয়ার ফান্ড থেকে দেওয়া হয়েছিল এর মধ্যে 50% কোনো কাজই করছে না বরাদ্দ টাকার 50% কোনো কাজই করছে না 18 এপ্রিল পর্যন্ত মাত্র 33টি প্লান্ট চালু আছে অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের অধীনে স্বাস্থ্য পরিবার ও কল্যাণ মন্ত্রক একটি স্বয়ং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সেন্ট্রাল মেডিকেল সাপ্লাই স্টোর সিএমএসএস এগুলো রাজ্যের কোন প্রকল্পই নয় এটা ভালোভাবে বোঝা দরকার মানিশ তস্করি মামলে মে সিবিআই পশ্চিম বঙ্গাল কে বীরভূম জেলা টিএমসি অন্তর্গত অনুব্রত মন্ডল কো নোটিশ সিবিআই নে অনুব্রত মন্ডল কে এক সহযোগী কো ভি নোটিশ জারি কিয়া হ্যায় সিবিআই নে অনুব্রত মন্ডল অর উনকে সহযোগী কো মঙ্গলবার কো কলকাতা কে নিজাম প্যালেস কে সিবিআই কার্যালয় মে হাজির হোনে কা নির্দেশ দিয়া হ্যায় बता दें कि सीबीआई ने टीएमसी नेता को नोटिस जारी किया है मंगलवार को सीबीआई कार्यालय में पेश होना है मवेशी तस्कर मामले में अनुव्रत और उनके सहयोगी को नोटिस जारी किया गया है छोटा बच्चा है वहाँ देखते हैं इस तरह से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन आरोपी ने छोटे